Hello everyone, my name is Ram Asre Rai. Welcome at GK Rajasthan YouTube channel. तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और आराम से आंसर देने की कोशिश करिए. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट का प्रीफिक्स वर्ड क्या होगा. पोलाइट का प्रीफिक्स वर्ड क्या होगा. कम ऑन एवरीबॉडी, क्या हो सकता है, हरी अप प्लीज. तो जब हम पोलाइट के पहले क्या लगा देंगे, इम लगा देंगे, तो वो हो जाएगा इम्पोलाइट. राइट, क्या हो जाएगा, आई एम पी ओ एल आई टी ई. पोलाइट मीन्स क्या होता है, विनम्र होता है. हाउ पोलाइट यू आर, हाउ पोलाइट ही इज, हाउ पोलाइट शी इज. यू आर इम्पोलाइट मतलब आप क्या हैं, पोलाइट नहीं है. इम्पोलाइट, हाउ इम्पोलाइट ही इज, वो कितना इम्पोलाइट है. ठीक है, तो प्रीफिक्स माने होता है किसी शब्द के पहले आ जाना, और सफिक्स माने होता है शब्द के बाद में कोई वर्ड है ना वो जोड़ देना. जैसे कि काइंड है, तो काइंड क्या है, देखिए पहले आ गया, और प्लस अगर हमने इसमें लगा दिया तो काइंडनेस हो गया, एनी डबल एस. ठीक है, हमने लास्ट में जोड़ा, और यहां देखिए हमने इम वर्ड को पहले जोड़ा. क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट. चलिए आप इस वर्ड को देख भी सकते हैं, suitable prefix for the word polite is impolite. इस वर्ड को भी आप देख सकते हैं, है ना, impolite. Don't be impolite, be polite. ठीक है, okay. Next word है आपका the specific word for the cry of pigeon. Pigeon जो है वो क्या करता है, come on everybody बताइए क्या करता है pigeon. तो वो क्या करता है, definitely आप कोशिश करेंगे तो बता लेंगे. तो जो पीजन होता है वो कू करता है. क्या करता है, पीजन जो है वो कू करता है. ठीक है, तो देख लीजिए, मैं आपको एक इमेज के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए क्या है, पीजन जो है, कबूतर जो है वो कू करता है. आप देख सकते हैं इस वर्ड को. ठीक है, कू इज द वर्ड फॉर द क्राई. देखिए यहां डेफिनेशन भी है कि कू इज द वर्ड फॉर क्राई, द क्राई ऑफ पीजन्स वेयर तो हंस के बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्वान के बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं. आप कोशिश करिए, फर्स्ट यू ट्राई, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर. कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी करिए. द यंग वन ऑफ स्वान इज क्या होगा, सिग्नेट होगा. जो सही आंसर होगा वो सिग्नेट होगा. क्या होगा, सिग्नेट होगा. राइट ऑप्शन जो होगा वो सिग्नेट हो जाएगा. देखिए वर्ड है आपको द यंग वन ऑफ स्वान इज, the young one of swan is cygnet, whereas kitten is a cat or baby chicken. ये सारे examples हैं. ठीक है, अगला word है the feminine form of cold. cold का क्या होता है, cold. cold का feminine form क्या होता है, तो जो cold होता है उसका जो feminine form होता है वो filly होता है. cold का filly होता है. देखिए एक फिली का इमेज भी आपके सामने है, तो यू कैन सी फेमिनिन फॉर्म ऑफ कोल्ड इज फीलिंग, है ना, एंड फेमिनिन फॉर्म ऑफ हॉर्स इज मेयर, एंड फेमिनिन फॉर्म ऑफ रैम इज ईव. ये सारे सारे फॉर्म्स दिए हैं. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्लूरल ऑफ ब्यूरो. ब्यूरो का प्लूरल क्या होगा, कोई बच्चा बताए पहले, ब्यूरो का प्लूरल क्या होगा. व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ब्यूरो, ब्यूरो का प्लूरल क्या होगा. कम ऑन एवरीबॉडी, कोशिश करिए, पहले आप आंसर दीजिए फिर मैं आंसर देता हूं. तो ब्यूरो का जो प्लूरल वर्ड होगा, जो प्लूरल होगा वो ब्यूरोक्स, ब्यूरेक्स होगा, बी यू आर ई ए यू एक्स, ब्यूरेक्स. ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बी यू आर ई ए यू एक्स, ब्यूरेक्स जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म है. ठीक है, देखिए मैंने आपको एक इमेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किया है. ठीक है, ये देखिए क्या है, बी यू आर ई ए एक्स, है ना. देखिए
तो देखिए क्या है, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो इज ब्यूरोक्स। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, मीनिंग ऑफ द ब्यूरो इज डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे होता है जैसे कि इसी वर्ड से बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी, अफसर शाही, जो अधिकारी लोग होते हैं मनमानी करते हैं उसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी का नाम देते हैं। अगला वर्ड है लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, जैसे बहुत ज्यादा लोगों के डिपार्चर को क्या कहा जा रहा है, संख्या में बहुत सारे लोग जब यात्रा को शुरू करते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। कमऑन एवरीबॉडी, फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। कमऑन एवरीबॉडी बताइए, सेंड करिए, जल्दी करिए, आंसर सेंड करिए। आई एम वेटिंग योर आंसर, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, देखूंगा। तो एक्सोडस होता है, एक्सोडस को और बेहतर से समझने के लिए देखिए हमारे पास एक इमेज है, इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के प्रस्थान को एक्सोडस कहा जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो प्रस्थान करते हैं उसे ही हम लोग एक्सोडस कहते हैं। इमेज से भी आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग जब यात्रा को प्रस्थान करते हैं उसे ही हम लोग एक्सोडस कहते हैं। क्लियर गाइस? ओके, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है मर्डर ऑफ किंग। अरे भैया इस तो कोई भी बता सकता है, एनीवन कैन टेल द राइट आंसर, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर मर्डर ऑफ किंग, बताइए। आई एम वेटिंग योर आंसर, कम ऑन। मर्डर ऑफ किंग सभी बता लेंगे, बहुत बार रिपीट हुआ है, आई हैव रिपीटेड इट मेनी टाइम्स, तो डेफिनेटली राइट आंसर विल बी रेजिसाइड। डेफिनेटली राइट आंसर विल बी रेजिसाइड। तो रेजिसाइड का एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि देखिए कोई राजा की हत्या कर रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर चेहरे पर मास्क लगा करके, देखिए तलवार लेकर के क्या कर रहे हैं, ये राजा की हत्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन सी इट वेल विदाउट एनी प्रॉब्लम इजिली। नेक्स्ट, गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, कोई भी व्यक्ति अगर कोई गिफ्ट या कोई प्रॉपर्टी अपनी इच्छा से अपनी खुशी से छोड़ के जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। आई एम वेटिंग योर आंसर, प्लीज टेल मी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। एलिमनी होगा, पैरिमनी होगा, लेगेसी होगा, प्रॉपर्टी होगा। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जो लीगेसी होता है उसे ही कहा जाता है, अपनी इच्छा से जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी किसी को दे जाता है तो उसे बोला जाता है लीगेसी। देखिए आप एक वर्ड बेहतरीन वर्ड है लीगेसी का, है ना, दिस इज द वर्ड लीगेसी, है ना, बहुत ज्यादा बिल्डिंगों पर भी कई बार लिखा रहता है, बड़े बड़े महल पर लिखा रहता है वर्ड लीगेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। One who despises person of lower social position, वह व्यक्ति जो अपने से छोटे लोगों को घृणा के निबास से देखता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। One who despises person of lower social position, तो उस व्यक्ति को स्नॉब कहा जाता है, ऐसे लोग स्नॉब होते हैं। स्नॉब वर्ड को हम और आगे देखेंगे अच्छे से। देखिए स्नॉब वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं और आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए, एक एक वर्ड को अगर आप नोट कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। स्नोबरिशनेस होता है, एरोगेंस होता है, स्नोबरिज्म होता है, प्रिटेंशन होता है, है ना, स्नोटीजनेस होता है, सुपरफिश, तो ये सारे के सारे जो आंसर है वो स्नोब के सिनोनिम्स है। आप कुछ सिनोनिम्स को सेंड करिए प्लीज क्विकली एंड स्मार्टली, हरी अप प्लीज, जल्दी करिए आंसर को सेंड करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी, बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है, फिर वो बहुत धीरे धीरे जब क्या होता है रिकवर होता है तो उसे क्या कहते हैं आप, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस को क्या कहते हैं। कम ऑन एवरीवन, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्वलेसेंस बोलते हैं। कॉन्वलेसेंस माने होता है धीरे धीरे शेयर। कॉन्वलेसेंस की बहुत सारी मीनिंग आपके सामने है, आप देख लीजिए, बताइए क्या होगा, है ना।
रिक्यूपरेशन रिकवरी होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, हीलिंग होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, रिवाइवल होता है, मेंडिंग होता है, रीजनरेशन होता है, कमबैक होता है। ये सारे वर्ड बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। देखिए, जब कहीं बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, जानते ही हैं आप, अक्सर इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, रिहैबिलिटेशन, माने पुनर्निवास को रिहैबिलिटेशन कहा जाता है, ठीक है। और हीलिंग माने होता है घाव का भरना, जैसे होता है ना HEALING, है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि द वुंड इज हीलिंग, घाव भर रहा है, द वुंड इज हीलिंग, घाव भर रहा है, बहुत सारा वर्ड यूज किया जा रहा है हम लोग, ठीक है। अब देखिए, इंप्रूवमेंट तो सारा जाहिर वर्ड है, रिवाइवल होता है, मेंड होता है, मेंड माने क्या होता है, सुधारना होता है, जैसे मैंने कहा कि मेंड योर वेज गाइस, Why don't you mend your ways? Please mend your ways. Try to mend your ways. Okay? So these are the right answer. Next question है बेटे, बहुत अच्छा question है. Piotal means क्या होता है? Come on everybody. Piotal का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए. What will be the right meaning of piotal? I'm waiting your answer and I'm quite sure you will give the right answer. Come on everybody. पियोटल का अर्थ क्या होता है? आप पहले सेंड करो आंसर, फिर मैं सेंड करता हूं, जल्दी करिए, प्लीज हरी अप। तो पियोटल का सही मीनिंग जो होता है वो क्रूशियल होता है। तो पियोटल के बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी हम लोग यहां देखेंगे। देखिए, बहुत सारे वर्ड हमारे पास हैं पियोटल के, राइट। तो क्रूशियल जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे वर्ड है, देखिए आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, एसिड टेस्ट भी होता है, जैसे कि इफ यू डू दिस जॉब यू हैव टू गो थ्रू एसिड टेस्ट होता है, ठीक है। प्रूफ भी होता है, ट्रायल भी होता है, वेरिफिकेशन होता है, प्रेसिडेंट होता है, एनालिसिस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रोविंग ग्राउंड होता है ना, सब्सटेंशियलेशन होता है। तो ये सारे वर्ड हैं, इन सारे वर्ड की दो चार मीनिंग तो आप जरूर सेंड करिए, प्लीज राइट डाउन एंड सेंड इट नाउ, जल्दी करिए, फटाफट सेंड करिए, फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वर्ड क्या होता है, वल्गर मींस क्या होता है गाइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्गर? वल्गर का अर्थ क्या होता है, बताइए, आई एम वेटिंग योर आंसर। वल्गर का क्या अर्थ होता है? बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, वल्गर मींस क्या होता है? थॉटलेस होता है, कि अनकाइंड होता है, कि कोर्स होता है, कि इलिटरेट होता है, बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए। तो डेफिनेटली अब वल्गर माने होता है कोर्स होता है ना, COARSE होता है, राइट, COARSE, कोर्स। और कोर्स तो एक विषय वाला होता है ना, कि द व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, COURSE होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका कोर्स के बहुत सारे मीनिंग भी आपके पास हैं, बहुत सारे मीनिंग है कोर्स को। देखिए क्या होता है, ऑब्लिक्यू होता है ना, तो सिक्योरिटी होता है, वल्गैरिटी होता है, रेवलमेंट होता है, अब्यूज होता है ना, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये किसके हैं, कोर्स वर्ड के मीनिंग है प्रॉपरली, ठीक है। कोर्स वर्ड के ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। आप कम से कम चार वर्ड का सिनोनिम्स तो जरूर आप, है ना, अच्छे जो और मोस्ट सुटेबल वर्ड्स हैं उनको आप लर्न करके, आप प्लीज लर्न क्विकली एंड गो फास्ट, ठीक है। तो राइट डाउन एंड सेंड राइट आंसर ऑफ फोर और फाइव ऑप्शंस, प्लीज एंड प्लीज। नेक्स्ट वर्ड है ऑबवर्ड्स, मींस क्या होता है? ऑबवर्ड्स मींस क्या होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑबवर्ड्स? OBVERSE, ऑबवर्ड्स मींस क्या होता है, बताइए जल्दी करिए, फटाफट, I'm waiting your answer. जल्दी बताइए। Obverse means क्या होता है? Bitter होता है, कि adverse होता है, opposite होता है। Obverse means क्या होता है? जल्दी करिए।
प्लीज सेंड द राइट आंसर. एक बार कोशिश करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप पहले कोशिश किया करिए, फिर मैं आंसर दिया करूंगा. कम ऑन, जल्दी करिए, फटाफट राइट आंसर दीजिए. हरी अप प्लीज, जल्दी करिए. कम ऑन एवरीबॉडी, आई एम वेटिंग योर आंसर. जल्दी करिए. तो अपोजिट होता है, ऑपोजिट होता है. क्या होता है? ऑपोजिट होता है. ठीक है, ऑपोजिट, दिस इज द ऑपोजिट वर्ड. अपोजिट मींस क्या होता है? अपोजिट. अब देखिए, अपोजिट के भी बहुत सारे, आपको मैं ढेर सारे अच्छे एग्जांपल देता हूं. ठीक है, तो अपोजिट में आप देख लीजिए अच्छे से, है ना. तो भाई जिससे अगर कोई इसने पूछा वार्म का अपोजिट क्या होगा, तो आप कह दोगे सर कोल्ड होगा. ठीक है भाई, कॉफी क्या है? वार्म है. हैव अ कप ऑफ कॉफी, राइट. अब देखिए ये कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड है. बिग एनिमल, हाथी क्या होती है? बहुत बड़ा एनिमल है. ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? चूहा क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है. ठीक है, चूहा क्या होता है? एक सेंस को डेवलप करने के लिए मैं आपको बताता हूं बस. फास्ट, कार क्या है? बहुत फास्ट चलती है. ठीक है, और ये कौन सा जानवर है? ये बहुत स्लो चलता है. तो ये आप वर्ड के ऑपोजिट भी बहुत जरूरी है आपको जानना, आपको समझना और आपका पढ़ना. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मिर्थ का मतलब क्या होता है? मिर्थ को बताइए. आई एम वेटिंग योर आंसर, फटाफट बताओ बेटा मिर्थ का मतलब क्या होता है. कम ऑन, जल्दी करिए. हरी अप, मिर्थ. कम ऑन एवरीबॉडी. तो मिर्थ का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? मैरिमेंट होगा. वेट 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 वेट, मिर्थ का क्या अर्थ होगा बच्चों? तो मिर्थ का जो मतलब होगा वो होगा मैरिमेंट होता है, इंजॉय करना होता है. किसी चीज को हम इंजॉय करते हैं. पांडे जी, पांडे जी को. कम ऑन एवरीबॉडी, हरी अप, आंसर सेंड करो बेटा फटाफट, जल्दी करिए. हरी अप प्लीज, आंसर सेंड करिए. अब देखिए मेरीमेंट के बहुत सारे सिनोनिम्स आपके पास हैं. इन सिनोनिम्स को बिल्कुल आप छोड़ा मत किया करिए. इससे क्या होगा? आपका अंडरस्टैंडिंग मिर्थ का जो मीनिंग होगा क्या होगा? गैटी होगा, प्रसन्न होगा, है ना. गैटी वर्ड है, प्रसन्न होगा, फन होगा, एंजॉय करना होता है. फन माने क्या होता है? हम जब एंजॉय करते हैं उसे हम फन कहते हैं. ठीक है, मिर्थ भी होगा, ग्ली होगा, मैरी मेकिंग होगा, फेस्टिविटी होगा, है ना, रिवेलरी होगा, जॉलिटी होगा, है ना, हिलैरिटी होगा. तो ये सारे के सारे वर्ड हैं, इनको आप फटाफट राइट करके और जल्दी से ऑप्शन आंसर दीजिए प्लीज. कम ऑन एवरीबॉडी, गेटी है, फन है, मिर्थ है, ग्ली है, इसको जल्दी करिए फटाफट आगे बढ़ाइए. कम ऑन, टैरिफिक का मतलब क्या होता है? टैरिफिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफिक? टैरिफिक का अर्थ क्या होता है बच्चों? कम ऑन एवरीबॉडी. तो टैरिफिक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? टैरिफिक का मतलब होता है टेरिबल होता है. और टेरिबल का मतलब होता है, आप देखिए टैरिफिक का बहुत सारे वर्ड आपको मैं दे दिया है, राइट, यू कैन गेट इट. ठीक है, तो टैरिफिक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग है, आप इसको एक एक चीज को पढ़िए. देखिए टैरिफिक, है ना, ऑसम, अस्टाउंडिंग, वेरी गुड, एक्सलेंट. ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं टैरिफिक के. ठीक है, तो यू कैन यूज इट. ऑलराइट, वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सही करके इसको बेटा सही कर लेना. एक्सलेंट हो जाएगा, टैरिफिक मींस हो जाएगा आपका एक्सलेंट, मतलब होता है बेहतर होता है टैरिफिक. तो देखिए टैरिफिक के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं. सॉरी थोड़े सी मिस्टेक्स लग गया था. तो बेटा ये ऑसम होता है, ऑसम आप जानते हैं आप लोग बहुत ज्यादा, है ना, है ना. एस्टाउंडिंग भी होता है, वेरी गुड होता है, एक्सलेंट आपने देखा ही है वहां पे, है ना, वही सेम वर्ड है. कूल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, स्प्लेंडिड है, मैग्निफिकेंट है, ग्रेट साइज, है ना, साइज है. तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं.
तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको डिस्कस किया, उसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करते चलिए, सीखते चलिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे ऑल एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।